हाय फ्रेंड्स, मैं गुंजन, मैं आपका स्वागत करती हूँ फागलक्ष्मी अनपर्णा किचन में। आज हम बनाएंगे इडली। इडली बनाएंगे एकदम सिंपल और इजी तरीके से, तो चलिए चलते हैं बनाने के लिए साउथ इंडियन तरीके से इडली। तो इडली बनाने के लिए देखिए, इडली कितना ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। इडली बहुत ही नरम है और तुलतुला बना है, तो आप ज़रूर एक बार इस तरीके से ट्राई करें। देखिए कितना ही सॉफ्ट बना है, ये देख सकते हैं आप कितना ही सॉफ्ट है, ये जालीदार एकदम बना हुआ है, स्पॉन्जी है। तो चलिए चलते हैं बनाने के लिए। इडली बनाने के लिए हमने लिया है 3 ग्लास चावल। चावल हमने लिया है जो डेली यूज करते हैं, रेगुलर यूज वाले चावल हैं, तो ये अरवा चावल हैं। तीन गिलास चावल हमने लिया है। देखिए मेजरमेंट एकदम नाप कर लीजिए, जिससे ये बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए इस तरीके से 3 गिलास हमने चावल लिया, इसे अच्छे से धो लेते हैं हम। ये दाल हमने लिया है, इस गिलास से 1 गिलास दाल लिया है। 3 गिलास चावल में 1 गिलास दाल और आधा गिलास चना दाल और 1 चम्मच मेथी हमने डाला है। और सभी को अच्छे से धो के इसे भी 3-4 पानी से धो लें बहुत अच्छे से सभी को। धो के रात भर के लिए फूलने दर देते हैं, इसे रख देते हैं फूलने के लिए। चावल और दाल दोनों हमने धो लिया है और इसमें इतना पानी डाल दिया और इसे अच्छे से भिगो के रख दिए हैं रात के लिए। तो चलिए हमारा ये हो चुका है, दाल भिगो चुके हैं हम, दाल हो चुका है। तो इसे पीस लेते हैं हम, इसे एकदम बारीक पीसेंगे। और ये जो पानी हमारा है दाल का, उसे फेंके ना, यही पानी के सहारे आप पीस लें जो आपको पानी नहीं लगे, ज़्यादा पानी ना डालें। और एकदम दाल को एकदम बारीक पीसे, एकदम पेस्ट क्रीम के जैसा होना चाहिए। देखिए इस तरीके से एकदम क्रीम के जैसा पेस्ट होना चाहिए दाल का। और ये चावल है, चावल को भी हमने भिगो लिया था रात भर, उसे भी डाल देते हैं। और इस चावल को ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, इसे थोड़ा मोटा ही रखेंगे, दरदरा टाइप का, सूजी टाइप का मोटा रखेंगे इसे, जिससे सूजी स्पॉन्जी इडली स्पॉन्जी बनेगी। तो देखिए इस तरीके से रखें और बनाई से। अब देखिए हम सभी को अच्छे से हाथ से फेंट लेंगे, 10-15 मिनट तक इसे हाथों से बहुत अच्छे से फेंटें। हमारे बर्तन छोटे हो गए हैं, हम ये पलट लेंगे, दूसरे बर्तन में रख देंगे और रात भर के लिए खमीर उठने तक रखेंगे। तो बड़ा बर्तन लें आप, हमारा छोटा बर्तन पड़ गया, हम इसे पलट लेंगे बाद में। आप बड़ा बर्तन लें, इससे जिससे आधा खाली रहे, जिससे खमीर उठता है तो वो भी भरता है, पूरा भर जाता है ऊपर तक, इसलिए अब दूसरा बर्तन में रखें जिससे आधा ही रखें बड़ा बर्तन में। और इसे ढक के हम रात भर के लिए छोड़ देते हैं। अगर ठंडा हो तो इसे गर्म जगह में रखें, या फिर गर्मी में बना रहे हों तो इसे कहीं भी रख दें, ये खमीर उठ जाएगा इसमें। इसे अच्छे से पोंछ के हम इसे ढक के रख देंगे खमीर उठने तक इसे। देखिए हमने बर्तन पलट लिया था, देखिए ये कितना आधा था और ये पूरा फुल हो चुका है हमारा इडली बेटर। टोपिया पूरा भर चुका है हमारा इडली बेटर से। आप चाहें तो पूरे बनाएं या फिर आधा बनाएं। आप आधा बनाने के लिए आधा ऊपर से निकाल लें और इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, या 2-3 दिन के बाद भी बना सकते हैं इसको। फ्रिज में स्टोर कर लें इसको, तो आप 2-3 दिन बाद भी बना सकते हैं इसे। अच्छे से देखिए हल्के हाथों से मिलाएं इसको, जिससे खमीर ना बैठे इसका, और फेंटने में आसानी से फेंट लें इसे, मिला लें नमक को डाल के। देखिए किस तरीके से हम मिला रहे हैं, हल्के हाथों से फेंटें एक ही डायरेक्शन में, जिससे ये फुला फुला इडली बनता है और स्पॉन्जी भी। देख सकते हैं आप चाहें तो आधा स्टोर कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में आधा रख दें, बिना नमक डाले ही रख दें निकाल के आधा। चलिए हम बनाते हैं। ट्रे हमने ले लिया है, ट्रे में अच्छे से हमने तेल ब्रश कर दिया है, सारे प्लेट में हम ब्रश कर लेते हैं तेल को। देखिए इस तरीके से ब्रश कर दिया हमने बहुत अच्छे से सभी को, जिससे हमारा इडली इसमें चिपकेगी नहीं। अभी इस तरीके से बहुत अच्छे से ब्रश कर लें सारे में तेल, फिर 1 चम्मच के सहारे इसमें डालें, 1-1 चम्मच सारे डालेंगे हम बेटर इसमें।
देखिए इस तरीके से एक एक चम्मच हम सभी में बेटर डालेंगे, भर चम भर भर के एक एक स्पून डाले इसमें सभी में बेटर, जिस फूलने का भी जगह रहने दें जिससे ये फूलेगा भी बेटर, बाद में इडली फूलेगी। तो हम इसमें प्लेट डाल दे रहे हैं और सभी को इसी तरह प्रकार हम भर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। लाइक का सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, एक बार ज़रूर लाइक कर सब्सक्राइब करें आप। देखिए ये हमारा हो चुका है, अब हम इसे अच्छे से लगा दे रहे हैं और कुकर में पानी भी चढ़ा दिए थे हम, ये पानी भी उबल चुका है। तो चलिए देखिए पानी हमारा उबल चुका है, ट्रे से नीचे ही पानी डालें, बहुत अच्छे से जब ये उबल जाए तभी डालें इसमें इडली स्टैंड। अब हम इसमें डाल के इसे अच्छे से बंद कर देंगे, विसल और रबर हम निकाल लेते हैं इसके और तब लगाएंगे। सीटी नहीं लगाना है, ऐसे 6 मिनट बस, 5 से 6 मिनट में हमारा इडली तैयार हो जाएगा, फिर हम निकाल लेंगे बाहर। देखिए तो हमारा इडली तैयार हो चुका है, 5-6 मिनट हो चुका है, इडली हो चुका है। देखिए कितना ही अच्छा फूला हुआ बना है और ये चिपक नहीं रहा, हम आप चाकू इसे डाल के देख सकते हैं, अगर ना चिपके तो हो चुका है, आप निकाल लें। फिर हम इसी में दूसरा ट्रे डाल देते हैं और इसे बंद कर देते हैं फिर 5 मिनट के लिए। तो चलिए हम इडली निकाल के आपको दिखाते हैं। ये ठंडा, थोड़ा हल्का ठंडा होने दें फिर निकालें इडली। ये इस प्रकार से सभी को निकाल के थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर हम चाकू या चम्मच के सहारे से निकालेंगे इसको। आप चम्मच के उल्टे हिस्से से इसे निकालें, बहुत ही अच्छा से इजीली ये निकल जाता है। देखिए इस तरीके से कितना ही इजीली मेरा निकल चुका है, इस तरीके से आप चम्मच के उल्टे भागों से निकालें। देखिए इस तरीके से चम्मच के उल्टे साइड से आराम से निकल जाता है ये। इस तरीके सभी को हम निकाल लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। इडली बनाना बहुत इजी है, एक बार आप ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे अपने घर में, तो एक बार ज़रूर आप ट्राई करें। जितना ही इजी है ये बनाने में उतना ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है खाने में, तो एक बार आप ज़रूर आप ट्राई करें, आप घर में बार बार बनाएंगे और सभी को बहुत पसंद आने वाली है ये। देखिए हमारा बनते बनते सभी खाने के लिए टूट पड़े हैं, देख सकते हैं आप सब, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर आप ट्राई करें, देख सकते हैं कितना ही सॉफ्ट और टेस्टी बना है ये। इजली ये टूट जा रहा है, मुंह में घुल जाते हैं, लेते ही मुंह में घुल जाने वाली है इडली। तो आप एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करें, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।